लालू की तबीयत थोड़ी सी ठीक क्या हुई कि अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिला। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव अब बिहार के लोगों की समस्या लेकर नीतीश और भाजपा के खिलाफ सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं। नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने जंग छेड़ दी है। ये जंग सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव ने छेड़ी है। ट्विटर पे लगातार लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। दरअसल बिहार में किसानों के मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है और बिहार में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, बिहार में खाद ही नहीं, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित डबल इंजन सरकार कानों में तेल डाल, आंख पर पट्टी बांध और नींद की गोलियां खाकर सोई हुई है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से केंद्र सरकार और बिहार की डबल इंजन वाली सरकार पर हमला बोला है, नीतीश और बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस पर तंज है। लालू का कहना है कि लालू प्रसाद ने कहा है कि यह सरकार आंखों में जो है पट्टी बांध रखी है, कानों में तेल डाल रखी है, नींद की गोली खा के यह सरकार सोई हुई है। उन्हें बिहार के किसानों की स्थिति नहीं दिखती है। बिहार के किसान किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, कभी खाद के लिए तो कभी बीज के लिए। इन मुद्दों पर एक तरफ देश भर में किसानों के हिमायती बनने की लोग कोशिश करते हैं। देश में कृषि कानून वापस ले लिया गया, कहा गया कि किसानों की जिद और किसानों के हित में यह फैसला है, लेकिन दूसरे तरफ किसान कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी दर दर भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें खाद और बीज नहीं मिल रहा है। लालू प्रसाद ने इसलिए ट्वीट पर लिखा है कि जो सरकार है वो नींद की गोली खा के सो गई है, उन्हें दिखता नहीं है कि बिहार के लोग दर दर भटक रहे हैं। ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, ये खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी सरकार पर धिक्कार हो। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि ये लोग जो किसानों की मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की, वो तो पूरी नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्या भी नहीं पूरी हो रही है। फिर ऐसे डबल इंजन की सरकार, ऐसे मोदी सरकार, ऐसे नीतीश सरकार का रहना धिक्कार है। लालू प्रसाद यादव के साथ RJD ने भी ट्वीट किया है। RJD ने भी एक तस्वीर डाली है, एक वीडियो डाला है और उसमें वो लिखते हैं, खाद के लिए रात से ही गोदाम के बाहर लाइन लगा रहे हैं बिहार के किसान। यहाँ भी बिहार के किसानों की बात की जा रही है कि खाद की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, तो पूरी रात उनका गुजर जाता है गोदाम के बाहर। जिस जगह से खाद मिलनी होती है उसके बाहर लोग खड़े रहते हैं कि सुबह जैसे दुकान खुलेगी उनका नंबर आएगा, उन्हें खाद मिलेगा, तब उनकी खेती हो पाएगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। बिना जानकारी वाले दब, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर भी RJD ने तंज कसा है। कहा है कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी ही नहीं है, दम भरते हैं नीतीश कुमार, केवल गलत जवाब देते हैं, सही जवाब उन्हें मालूम ही नहीं होता है। और ये तस्वीर जो दिख रही है आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे, वो बिहार के कई जगहों की तस्वीर है जहां खाद की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और खाद के किल्लत से किसान दर दर भटकने को विवश हैं। इस पर राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है। लालू ने मोदी और नीतीश सरकार को चुनौती दिया है और उन्हें नींद से जगाने की कोशिश की है। हालांकि लालू का कहना है कि जो सरकार है वो आंखों पर पट्टी बांधी है, कानों में तेल डाल रखी है, और सबसे हद तो ये हो गया है कि जब किसान आवाज़ लगाते हैं तो ये लोग नींद की गोली खाकर सो जाते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।